हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रेडमी 13 प्रो प्लस की, एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड बताऊंगा साथ ही आपको इसके कुछ टॉप नॉच फीचर्स। सबसे पहला फीचर है इसमें कि ये फ़ोन 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। दूसरा, इसमें आपको 1600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तीसरा, इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसे बनाने के लिए रेडमी ने सैमसंग के साथ कोलैब किया है। चौथा, इसमें आपको 120 वोट की चार्जिंग मिल जाती है, साथ ही साथ 5000 एमएच की बैटरी मिलती है। पांचवा, इसमें आपको IP68 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो आपका फ़ोन वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसका जो प्रोसेसर था गाइस, वो भी बहुत अच्छा था। इसमें आपको MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। कैमरा क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होने वाली है, एंड जिस सेगमेंट में आता है 32000 का आता है, प्लस आपको ICIC के क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये का कैशबैक भी मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये फ़ोन आपको 30000 रुपये का पड़ेगा गाइस। 30000 रुपये में इस स्पेसिफिकेशन के साथ कोई भी ब्रांड फ़ोन लॉन्च नहीं कर रहा है। बाकी आप बताना कमेंट करके कि अगर आप रेडमी का फ़ोन यूज़ करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके साथ, कमेंट ज़रूर करना गाइस। और फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। जो इसका ब्लैक कलर है ना गाइस, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। जो इसका वीगन लेदर वाला कलर है वो ज़्यादा अच्छा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।